हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दिव्यांशी द्विवेदी, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के थर्ड टॉपिक एडजेक्टिव के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच की दो क्लासेस कर ली हैं और आज की हमारी थर्ड क्लास है जिसमें हम लोग एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है एडजेक्टिव। तो सबसे पहले बात करें तो एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं, जो कि यहाँ पे हम लिख करके भी बता सकते हैं, विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। और अब हम लोग देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एन एडजेक्टिव, जिसकी डेफिनेशन होती है, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। इसके पहले हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन को बिल्कुल डिटेल में समझा और देखा कि क्या होता है। तो इस प्रकार से एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं, विशेषण वे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को क्वालिफाइज करते हैं, यानी दर्शाते हैं, क्वालिटी को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एकदम स्पष्ट वे में कह सकते हैं कि विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। तो इस तरह अब हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे और इसमें देखेंगे कि एडजेक्टिव कैसे हम लोग पहचानते हैं, किस प्रकार से इसमें हम लोग एडजेक्टिव को पहचानेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्लियर हुई होगी आप लोग को। उसके बाद हम लोग ये एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो इसमें देखिए सबसे पहले वह एक सुंदर लड़की है, यानी जो लड़की है हमारी नाउन, और यहाँ पे ये भी ये है प्रोनाउन सी, जो लड़की नाउन है उसकी क्वालिटी को क्या बताया जा रहा है कि वह ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस में हमारा, इस एग्जांपल में एडजेक्टिव क्या होगा? ब्यूटीफुल। ठीक है, तो वह लड़की सुंदर है, तो लड़की को क्या बताया जा रहा है? सुंदर। तो ये हमारा विशेषण कहलाएगा, यानी एडजेक्टिव कहलाएगा। इस प्रकार से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। अब देखिए बॉय क्या है? नाउन। और इसकी क्वालिटी को क्या बताया जा रहा है कि ये क्या है? ब्रेव है, यानी बहादुर है। तो ये हमारा क्या हुआ यहाँ पे? एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस में ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव है। बिल्कुल क्लियर वे में हम लोग देखेंगे। इस प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और थर्ड एग्जाम्पल में है, यू आर अ गुड स्टूडेंट, है ना, यू आर अ गुड स्टूडेंट। अब इसमें देखिए स्टूडेंट क्या है? नाउन है। और इसकी क्वालिटी को क्या बताया जा रहा है कि वह क्या है? अच्छा विद्यार्थी है। अच्छा, तो गुड क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है, सिंपल सी बात। और इस प्रकार से फोर्थ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सी ड्रिंक्स कोल्ड वाटर। तो वह ड्रिंक्स पीती है, कोल्ड वाटर ठंडा पानी। तो वह कैसा पानी पीती है? ठंडा पानी पीती है। कैसा पानी पीती है? ठंडा। तो यहाँ पे विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो ठंडा पानी पीती है। तो यहाँ पे कोल्ड क्या होगा हमारा? दिस इज अ एडजेक्टिव। ठीक है, कोल्ड क्या होगा? एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से चार एग्जांपल हम लोगों ने देखा, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। उसके बाद ही इज अ ब्रेव बॉय, इसमें क्या है? ब्रेव एडजेक्टिव कहलाएगा, विशेषण, इसमें विशेषता बताई जा रही है। और यू आर अ गुड स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल में क्या है? एडजेक्टिव गुड, उसकी क्वालिटी क्या बताई जा रही है कि वो अच्छा विद्यार्थी है। उसके बाद सी ड्रिंक्स कोल्ड वाटर, वो कैसा पानी पी रही है? ठंडा, यानी विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो ठंडा पानी पीती है। ठीक है, तो इस प्रकार से एडजेक्टिव क्लियर हुआ कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। मीन्स और
अब ये कोई भी बच्चा नहीं कहेगा कि मैम नाउन क्या होता है, मैम प्रोनाउन क्या होता है। यदि इसके पहले आपने क्लासेस नहीं अटेंड किए तो उन्हें आप देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो अब हम लोग ये हम लोगों ने क्लियर किया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की, यानी विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, जो कि मेन है वो हम लोग यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करें तो इसमें हमारा जो मेन होता है सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें ये समझना भी बहुत ही आसान होता है, जिसको ये फर्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसमें इन जो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं इसमें वस्तुओं की क्वालिटी के बारे में बताया जाता है, यानी उनके गुण के बारे में बताया जाता है कि वो कैसा है, यानी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। तो इसमें हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जो कि कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। अब देखिए सिटी क्या है, नाउन, और उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो बिग है, बड़ा। तो यहाँ पर अब देखिए ये और ये सेम ही तो थे, लेकिन इनमें हम लोग अब काइंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिग क्या है, बिग उसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है कि कोलकाता कैसा शहर है, बिग, बड़ा शहर है। तो इस प्रकार से बिग यहाँ पे एडजेक्टिव कहलाएगा। तो किस में आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें यू आर ब्रेव, आप क्या हैं, बहादुर हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी क्वालिटी क्या बताई जा रही कि आप ब्रेव हैं, यानी बहादुर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से थर्ड एग्जांपल हम लोग का होगा राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, राम ईमानदार लड़का है। तो इसमें देखिए बॉय, इसकी क्वालिटी, राम को क्या बताया जा रहा है, ऑनेस्ट बताया जा रहा है, यानी उसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है कि वो क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ठीक है। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के एग्जांपल हुए। अब आप लोग याद रखिएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में टू टाइप्स के ये यूज़ होते हैं, जिनमें हम लोग इनका बिल्कुल नॉर्मल वे में देखेंगे कि किस प्रकार से इनको हम लोग पहचानते हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले है एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में टू टाइप्स हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें एट्रीब्यूटिव होता है और प्रेडिकेटिव होता है। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव क्या होता है वो हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें एट्रीब्यूटिव की, तो इसके एग्जांपल को देखिए और फिर समझ में आएगा। तो ही इज़ अ रिच मैन, इसमें याद रखिएगा आप लोग मैन क्या है, नाउन है, और इसमें क्वालिटी कहाँ पे यूज़ हुई, रिच, वो कैसा है, अमीर है, ठीक है, रिच मैन है, ही इज़ अ रिच मैन, वह अमीर आदमी है। तो इसमें ये जो विशेषण यूज़ होते हैं ये नाउन से पहले यूज़ होते हैं, जिसमें नाउन से पहले विशेषण यूज़ होता है, यानी एडजेक्टिव यूज़ होता है, वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इस प्रकार से आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास बड़ा घर है। तो हाउस देखिए यहाँ पे नाउन है, इसके जस्ट पहले एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है। एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे हमारा, बिग, तो नाउन, और नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है, तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो नाउन से जस्ट पहले यूज़ होते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, और वो आते किस में है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही, क्योंकि क्वालिटी ही बताई जा रही है और नाउन से पहले बताई जा रही है, तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कि एट्रीब्यूटिव समझ में आया, उसके बाद प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव किस प्रकार से पहचानते हैं। तो एट्रीब्यूटिव में हम लोगों ने बात किया कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आए उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसी प्रकार से जब लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं, हमने इसके पहले भी बात की थी, लिंकिंग वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब देखिए यहाँ पे क्या है, इज़, और इसके जस्ट बाद क्या यूज़ हुआ है, एडजेक्टिव, तो ये क्या कहलाएगा, आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, यानी क्वालिटी बताई जा रही है, रिच, और ये लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद में यूज़ हुआ है, तो ये प्रेडिकेटिव कहलाएगा।
अब देखिए कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर। यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव आए तो एट्रिब्यूटिव, और लिंकिंग वर्ब के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आए तो वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और ये किस में आएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, क्योंकि क्वालिटी ही बताई जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, This girl is beautiful. अब देखिए यहाँ पे beautiful क्या है, आप तुरंत पहचानेंगे कि ये क्या है, adjective है। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए कि उसके बाद कोई noun नहीं आया है। क्या आया है उसके पहले? लिंकिंग वर्ब आई है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब आई है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइए और इसमें तुरंत पहचानिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये एकदम क्लियर हुआ कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, और प्रेडिकेटिव कैसे पहचानते हैं, एट्रीब्यूटिव कैसे पहचानते हैं, एकदम सिंपल वे में हम लोगों ने इसको देखा। यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव, और यदि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है तो प्रेडिकेटिव, सिंपल। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारा क्लियर हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके पहले हम लोग किसकी बात कर रहे थे? क्वालिटी यानी गुड़ के बारे में, और इसमें क्या बात करेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा के बारे में पता चलता है, ठीक है, जिस भी विशेषण से। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? जिनसे वस्तुओं की मात्रा के बारे में पता चलता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, आई एट सम राइस, मैंने खाया सम राइस, थोड़े से चावल, कुछ चावल। ठीक है, तो देखिए उसकी मात्रा का बोध हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा? सम। ठीक है, और ये कौन सा एडजेक्टिव होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ही शोड मच पेशेंस, ही उसने शोड दिखाया मच पेशेंस, थोड़ा सा क्या, धैर्य। ठीक है, उसने काफ़ी धैर्य दिखाया, पेशेंस। तो इसमें देखिए एडजेक्टिव क्या होगा? मच। ठीक है, मच होगा एडजेक्टिव, जिसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, उसमें देखते हैं, आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है। तो इसमें देखिए क्या होगा? इनफ। इनफ क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसकी मात्रा के बारे में बताया जा रहा है। तो फर्स्ट में हमारा सम, कुछ चावल खाए उसने, तो उसकी मात्रा बताई जा रही है, सम। और नेक्स्ट में मच, और उसके बाद इनफ। तो इस प्रकार से देखिए जिसमें वस्तुओं की मात्रा के बारे में बात की जाए, इसकी मात्रा को दर्शाया जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दो क्लियर हुए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। अब हम लोग थर्ड की बात करते हैं एडजेक्टिव के, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, जिनमें वस्तुओं की संख्या के बारे में बोध हो, उसकी संख्या का बोध हो कि वो कितनी है। तो इस प्रकार से इनके एग्जांपल हम लोग देखेंगे सिंपल वे में और इसमें समझ में आएगा। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, नंबर में दो प्रकार से हम लोग को देखने को मिलते हैं, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, और सेकेंड होता है इनडेफिनिट न्यूमरल, सॉरी ये फर्स्ट होता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और सेकंड होता है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। यानी एक हमारा जो होता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में, देखिए किस प्रकार से संख्या का हम लोग को पता चलता है। तो डेफिनेट में देखिए, आई हैव सेवन चेयर्स, मेरे पास सेवन मीन्स सात क्या हैं? चेयर्स हैं, कुर्सी। तो इसमें देखिए एडजेक्टिव का क्या यूज़ हुआ है? सेवन, सात। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में डेफिनेट नंबर का पता चल रहा है, यानी एकदम निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि वो सात है, तो सात है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, वो किस में आते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। तो इस प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखिए, ही पास्ड इन फर्स्ट डिविजन, वह फर्स्ट डिविजन पास हुआ। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव फर्स्ट,
फर्स्ट, देखिए एकदम निश्चित उसका वो हो रहा है कि वो क्या हुआ है, फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है। तो ये किस में आएगा, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में, जो कि किस में आता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो हम लोगों ने फर्स्ट की बात की, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो। ये इस प्रकार से तीन यूज़ होते हैं, जिसमें देखिए आप लोग, कार्डिनल होता है, ऑर्डिनल होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो कार्डिनल में क्या होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा, मीन्स जो ये इस तरह से वर्ड यूज़ होते हैं, निश्चित संख्या यूज़ होती हैं, वो हमारी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाती हैं। इस प्रकार से, और जो ऑर्डिनल होते हैं, ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से। तो कार्डिनल में 1, 2, 3, 4, और ऑर्डिनल में बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और मल्टीप्लिकेटिव में बात करें तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, है ना, ऐसे। तो इस प्रकार से ये यूज़ होते हैं। तो सिंगल यानी जो आप लोग को इसमें सेंटेंस देखने को मिलेंगे और पहचानने को मिलेंगे, तो उसमें इस प्रकार से आप लोग पहचानेंगे, तो इसमें एडजेक्टिव का जो यूज़ होगा वो इस प्रकार से हो सकता है कि सिंगल, डबल, ट्रिपल, तुरंत पहचानिए, मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर में होते हैं, ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और कार्डिनल 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इस प्रकार से डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर में इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की। इनडेफिनिट, डेफिनेट में क्या था, निश्चित संख्या का बोध होता था, और इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में अनिश्चित संख्या का बोध हो, मीन्स जो एकदम निश्चित ना हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, देयर आर सम बॉयज इन द फील्ड, ठीक है, देयर आर सम बॉयज इन द फील्ड। अब देखिए यहाँ पे किसका यूज़ हुआ है, सम, जो नाउन हमारा यूज़ हुआ है, बॉयज़, उसकी संख्या को बता रहा है कि सम, लेकिन वो निश्चित नहीं है, इसकी संख्या को बताया जा रहा है लेकिन वो निश्चित नहीं है। यदि निश्चित होती तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग होती, और लेकिन ये निश्चित नहीं है तो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग ये हैं। उसके बाद बात करें तो मैनी बॉयज़ कम हेयर। अब इसमें देखिए मैनी एडजेक्टिव का क्या यूज़ हुआ है, मैनी, कई सारे लड़के कम हेयर यहाँ आए। तो इसमें देखिए मैनी क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन जो ये नाउन है हमारा, बॉयज़, लड़के, उसकी संख्या को बता रहे हैं लेकिन वो क्या है, निश्चित नहीं है। तो निश्चित नहीं है तो इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाएंगे, जो कि किस में आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम लोगों ने दो टाइप से देखे, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, और सेकेंड था इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सम अभी यहाँ भी यूज़ हुआ था, लेकिन जिनकी हम लोग संख्या को देख सके और वो निश्चित ना हो, तो वो इसमें आएंगे हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। और इसमें राइज, पेशेंस, मनी, इनको काउंट तो नहीं कर सकते, तो इस प्रकार से इनमें ये एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है। तो ये एकदम क्लियर हुआ है। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। इसके बाद तीन और हम लोग इसके काइंड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पहले हम लोगों ने बात की कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में। तो जिसमें पहले हम लोगों ने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को देखा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है उससे समझा, और उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एडजेक्टिव के काइंड्स की, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और हाँ, इसके पहले यदि जिन बच्चों ने प्रोनाउन की क्लास देखी है, तो प्रोनाउन की क्लास में भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात की थी, और इसमें डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन की भी बात की थी। तो इसमें अब हम लोग, और मैंने कहा भी था कि पिछली क्लास में हम लोग इसमें जब एडजेक्टिव को पढ़ेंगे तो दोनों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम लोग ये अभी देखते हैं नेक्स्ट, और दोनों में डिफरेंस को भी क्लियर करेंगे। तो इस जैसे ये है हमारा फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में इसमें क्या होता है कि पहले एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद जो है उनकी प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ईच बॉय वेंट देयर,
ईच बॉय वेंट देयर, प्रत्येक लड़का वहाँ गया, ठीक है, या प्रत्येक लड़के वहाँ गए। तो अब देखिए यहाँ पे ईच क्या है, जैसे जब हम लोगों ने डिस्ट्री, इसको ध्यान से सुनिएगा जो बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं और जिन्होंने प्रोनाउन की क्लास देखी थी, तो जब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पढ़ा था तो उसमें जो ईच, एवरी, नाइदर, आइदर का यूज़ होता था उसके जस्ट बाद नाउन नहीं आता था। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं वरना आप लोग सच में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो देखिए जो ये वर्ड यूज़ होते हैं ईच, आइदर, नाइदर और एवरी, तो ये वर्ड देखिए यहाँ पे ईच बॉय वेंट देयर, तो प्रत्येक लड़के वहाँ गए। तो इसमें देखिए ईच क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को क्या बता रहा है, नाउन की, कि प्रत्येक लड़के, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा ईच। तो अब देखिए यहाँ पे इसके जस्ट बाद नाउन का यूज़ हुआ है, बॉय क्या है, नाउन, तो देखिए इसके जस्ट बाद नाउन का यूज़ हुआ है तो ये ईच क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता था कि जब हमारा ये वर्ड यूज़ होते थे ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, तो उसके बाद, उसके जस्ट बाद नाउन का यूज़ नहीं होता था। तो जिसमें जस्ट बाद नाउन का यूज़ हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे, और यदि नाउन का यूज़ नहीं हो तो वो तुरंत क्या बन जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ईच बॉय वेंट देयर में ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और कैसे पहचाना कि इसके जस्ट बाद किसका यूज़ हुआ है, नाउन का, तो इसके जस्ट बाद नाउन का यूज़ हुआ है तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा ईच, ठीक है, और यदि नहीं हुआ है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो इस प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स। तो इसमें देखिए एवरी, ठीक है, प्रत्येक की बात हो रही है और इसके जस्ट बाद क्या आया है, वर्ड जो कि क्या है, नाउन है, तो तुरंत पहचानिए कि एवरी वर्ड क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यू कैन टेक आइदर बुक, ठीक है, तो इसमें देखिए यू कैन टेक आइदर बुक, तो इसमें आइदर वर्ड क्या है, आइदर वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और कैसे पहचाना, इसके देखिए जस्ट बाद नाउन का यूज़ हुआ है, तुरंत पहचानिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, यदि नहीं हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्लियर। तो इस प्रकार से अगला देखते हैं, नाइदर रूम वॉज एयरी। अब देखिए नाइदर ये वर्ड यूज़ हुआ है और इसके जस्ट बाद क्या है, नाउन आया है, तो तुरंत पहचानिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सबसे सिंपल वे में इस तरह से हम लोग इनको पहचान सकते हैं, यानी कि इसमें यदि एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन यूज़ होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, और जिसमें नाउन यूज़ नहीं होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो ये हम लोग का क्लियर हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें तो जो हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा था उसमें भी डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन आया था। तो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, इनमें ये वर्ड यूज़ होते हैं, दिस, दैट, दोज, दीज, इस प्रकार से वर्ड यूज़ होते हैं जिनको हम लोग पहचानते हैं। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल देखते हैं डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का, दिस मैन इज टॉलर देन राम। तो इसमें देखिए दिस का यूज़ हुआ है जो कि हमारा एडजेक्टिव है, और क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जस्ट इसके बाद क्या यूज़ हुआ है, नाउन यूज़ हुआ है, तो नाउन को क्वालिफाइज कर रहा है क्या, दिस, दिस, तो यहाँ पे दिस क्या है, एडजेक्टिव है, और यदि इसके बाद नाउन नहीं आता तो ये हमारा क्या बन जाता, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दिस मैन इज टॉलर देन राम, तो इसमें दिस है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो दैट बॉय इज लेजी। अब देखिए दैट इस वर्ड का यूज़ हुआ है, ठीक है, और इसके जस्ट बाद क्या है, नाउन, बॉय, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और फिर हाँ, तो क्या कहलाएगा, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, तो दैट बॉय इज़ लेज़ी, क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन का यूज़ हुआ है
और यदि प्रोनाउन का सेंटेंस लिखते तो आप लोग सोचेंगे किस प्रकार से, तो ये इस तरह से बनता दैट। अब देखिए इसके जस्ट बाद बॉय यदि यूज करेंगे तो ये हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा, तो दैट इज अ बॉय। अब ये सेंटेंस हमने लिखा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जो एक दैट हमारे यहाँ पे यूज हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। देखिए तुरंत नाउन यूज हुआ है, और ये जो सेंटेंस हमने लिखा है दैट इज अ बॉय, तो देखिए दैट के बाद जस्ट नाउन है नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो देखिए दोनों क्लियर हुए, ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। और ये समझ उन्हीं बच्चों को आएगा जो जो इसके पहले ये क्लास को देखे होंगे प्रोनाउन की, ठीक है, इनमें दोनों में डिफरेंस। और ये जो हमारा सेंटेंस है ये क्लियर करता है कि जो दैट यूज़ हुआ है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है। इस प्रकार से अगला देखिए, तो इसमें क्या है, दीज बुक्स आर कॉस्टली, तो यहाँ पे दीज का यूज़ हुआ है, दीज क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज बुक्स आर कॉस्टली, ये बुक्स यानी किताबें क्या हैं, महंगी हैं, ठीक है, ये किताबें महंगी हैं, तो दीज बुक्स। अब इसके जस्ट बाद देखिए नाउन का यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो नाउन के जस्ट पहले जो वर्ड यूज़ हुआ है दीज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। उसके बाद की बात करें तो हम लोग दोज पेंस आर योर्स, ये पेन आपके हैं, तो देखिए दोज यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये क्या है, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है, क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन का यूज़ हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किस प्रकार से पहचानते हैं, और इन दोनों में अब कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोगों ने कन्फ्यूज़न को क्लियर किया। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्लियर हुए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट ही बात करें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसको भी हम लोगों ने प्रोनाउन में पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, तो अब ये हम लोग का ये यहाँ पे यूज़ हुआ है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इनको किस प्रकार से हम लोग सेंटेंस में पहचानते हैं, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव में जैसे देखिए आप लोग क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं, व्हाट, व्हिच, वेयर, है ना, इस प्रकार से। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, विच पेन डू यू लाइक मोस्ट, विच पेन, या आइए इसमें इसकी हिंदी होगी कि आपको कौन सा पेन सबसे ज़्यादा लाइक पसंद करते हैं, इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो विच पेन डू यू लाइक में देखिए विच का यूज़ हुआ है। और इसमें भी वही सिंपल वे कि जस्ट इसके बाद किसका यूज़ हुआ है, नाउन का, तो तुरंत पहचानिए कि नाउन की क्वालिटी, यानी इसमें नाउन से क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है कि विच पेन डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है। तो उसके बाद बात करें तो हुज बुक इज़ दिस, ठीक है, हुज बुक इज़ दिस, तो इसमें जो है हुज बुक इज़ दिस में, इसमें देखिए हुज का यूज़ हुआ है, ये क्वेश्चन वर्ड है, और इसके बाद जस्ट देखिए नाउन आया है, तो हुज ये हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि ये नाउन से क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि हुज बुक इज़ दिस, यह पुस्तक किसकी है, तो ये इस प्रकार से जो हुज वर्ड यूज़ हुआ है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब वॉट पेपर्स डज ही रीड, ठीक है, तो देखिए पेपर्स क्या है, नाउन, इसके जस्ट पहले क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। कुछ भी इसमें टफ नहीं है, यदि आप सच में समझना चाहेंगे तो सबसे सिंपल वे में इनको हम इन प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हैं, इनमें जो कन्फ्यूज़न आती हैं वो कन्फ्यूज़न आप लोग को अब नहीं होंगी यदि आप सच में इसे सीखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए जो क्वेश्चन वर्ड यूज़ हुए हैं विच और इसमें हुज व्हाट, तो ये हमारे किस प्रकार से यूज़ हुए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुए हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सिक्स काइंड्स को देखा एडजेक्टिव के, तो फर्स्ट था हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसमें डिटेल से एट्रिब्यूटिव प्रेडिकेटिव को देखा, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात की, क्वांटिटी में जिसमें मात्रा बताई जाती है, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात की, नंबर में जो कि हम लोगों ने डेफिनेट और इनडेफिनेट को देखा, उसके बाद
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात की, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और सबसे एकदम कम शब्दों में और सबसे एकदम क्लियर जो है हम लोगों ने इनको पहचाना। उसके बाद यदि आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और जो अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की फोर्थ क्लास होगी, जिसमें हम लोग बात करेंगे वर्ब के बारे में। और अब से मेरा पूरा प्रयास होगा कि आप लोग को रेगुलर क्लासेस मिले। और यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि जो बच्चे पहले की क्लास देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के सीक्वेंस से क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, और घर बैठे आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। थैंक यू।